उपस्थित है। मैं बोलता था ये झारखंड में ये जो साफा हुर होता है यह कुटल दी फेसबुक, तो जो लोग फेसबुक में आए हुए उन लोग के लिए मैं बोलता हूँ। तो मैं आज जूम का माध्यम में झारखंड में जो सांवताल लोग होते हैं उसी लोगों में एक ग्रुप है, तो ग्रुप है ये लोग साफाहुर बोलते हैं। साफाहुर ये है, ये किधर गया चंदन, किधर है चंदन दिखाई नहीं देता। हाँ चंदन किधर गया, नेट डिस्टर्ब हो चुका था। ठीक है अभी ठीक है चंदन प्रभु, ठीक है तो हाथ उठा। ठीक है तो सुन सकते हैं नहीं, तो मैं आज ये जो साफाहुर भक्त लोगों से मिलता हूँ, एक बहुत आश्चर्य का बात है। जगह सब लोगों ने सोचते हैं जो ट्राइबल लोग होते हैं तो लोग बहुत दारू पीने वाले हैं और परिष्कार रहते नहीं और मछली खाते हैं, शिकार करते हैं। ट्राइबल शब्द श्रवण करने से लोगों को ऐसा याद में आता है, लेकिन ये एक ग्रुप ट्राइबल होते हैं झारखंड में, ये बहुत अद्भुत बात है। आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक दो चार आदमी नहीं, ये हजारों हजारों लाखों लाखों लोग होते हैं। ये सब शाकाहारी है, यहाँ रसून भी खाते नहीं, दारू तो पीते नहीं, दूसरा का हाथ में पका हुआ वो खाना भी खाते नहीं। ये कैसा संभव हो सकता है? तो मेरा ये विचार है, आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु एक झाड़ीखंड जंगल होकर वृंदावन गए थे। तो मेरे को लगता है उस समय तो चैतन्य चरितमृत में ये वर्णन आता है कैसा महाप्रभु ने जानवरों को भी उद्धार किए थे, जो बाघ थे, शेर थे, हाँ भल्लुक थे, सबको उद्धार किए थे। तो मेरे को ये लगते हैं ऐसा जो महाप्रभु का कृपा ये झाड़ीखंड वन में ये जो सांवताल लोग ट्राइबल लोग है कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए देखो आजकल हम लोगों को बाहर का लोगों को शाकाहारी बनाना कितना परेशानी होता है। तो बांग्ला में तो लोगों को इतना मछली खाते हैं, उड़ीसा में लोगों ने इतना मछली खाता है, ये लोग को मांस मछली छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैसा ये झाड़ीखंड में ये लोग का गुरु बाबा होते हैं, गुरु बाबा लोगों ने गांव गांव में जाके घर घर में जाके लोगों को समझाते हैं। हाँ वो लोग प्रीचिंग करके बनाते हैं, वो लोग जन्म से ये लोग शाकाहारी नहीं होते हैं, वो लोगों को प्रीचिंग करके समझाते हैं और लोग शाकाहारी बन जाते हैं। तो हमारा जो चार नियम होता है हाँ इस्कॉन में वैष्णव संप्रदाय का चार नियम होता है, मांस मछली नहीं खाना, नेशा नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये सब नियम को अच्छा तरीका पालन ही करते हैं। ऐसा लगता है महाप्रभु इन लोगों को प्रस्तुत करके रखे है, ये लोग अपेक्षा करके बैठे हैं कब इस्कॉन का लोग आएंगे हमारा हाथ में माला झुला देंगे। तो अभी उन लोगों को सब नियम पालन करते हैं, तो अभी जप माला देने से सब जप करना शुरू कर देते हैं। ये लोगों ने इतना सरल सीधा साधे होते हैं, ये भगवान का नाम को ये हरे कृष्ण महामंत्र याद करने के लिए 6 महीना लग जाता है, बोल नहीं पाता है, तो बहुत सरल भोले भाले आदमी होते हैं। तो अभी उन लोगों को मैं कुछ बातचीत करने के लिए आया,
लेकिन प्रॉब्लम लगता है इन लोग का कनेक्शन ठीक नहीं है उधर। ओके इज नॉट दैट तुष्ट प्रभु कैन यू कॉल प्रॉब्लम एवं ठीक अच्छे वो तो आश्चर्य जाच्चे देखी तो इसको पूछो तुम सुन पाते हो। तो मैं जो पॉइंट बताता था ये जो भगवत भक्ति होता है ये भगवत भक्ति और हरि नाम का प्रभाव क्या है सुन पाते है ना। लेकिन मैं तो उन लोग का प्रश्न कैसे सुन पाऊंगा तो मैं तो बता कुछ 5-10 मिनट बताऊंगा चंदन प्रभु लिख के भेज सकते फिर मैं तुम लिख के दे चैट है ना चैट में जाओ तुम लिख के दो कुछ प्रश्न है तो लोगों का। हाँ मैं सुन नहीं पाता हूँ देख नहीं पाता हूँ स्क्रीन में तो आप लोग सुन पाते हैं तो कुछ प्रश्न होगा तो उन लोगों को क्या पूछना है पूछने दो। तो मैं जो बोलता था हाँ चंदन प्रभु जब तुमको बोलना चाहिए तो म्यूट अनम्यूट करके तुम बोल पाएंगे। तो मैं जो बोलता था ये जो हरि नाम है और भगवत भक्ति है ये दोनों जो लोगों को समाज में बहुत निकृष्ट नीचे और पतित करके मानते हैं वो लोगों के लिए ये भक्ति और हरि नाम सबसे श्रेष्ठ पंथा होता है। वेद वेदांत उपनिषद तो भगवान दिए लेकिन वेद वेदांत उपनिषद जो होता है उन लोग को मुनि ऋषि जोगी बड़ा बड़ा ब्राह्मण सत्ययुग में पालन करते थे। आजकल समाज का हालत ऐसा है हमारा समाज में यथार्थ ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण ब्रह्मों को मालूम है इसे ब्राह्मण किधर है इसलिए शास्त्र में बताया गया कौलो सर्वे शूद्र संभवा कलि युग में सब शूद्र ही शूद्र ब्राह्मण गुण संपन्न व्यक्ति का बहुत अभाव है कलि युग में। तो कलि युग लोगों को उद्धार करने के लिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक पद्धति लेके आए कलो तद हरि कीर्तनम हरि नाम संकीर्तन करने से तो भक्ति करने से भगवान को जितना आसानी से प्राप्त कर पाएंगे वेद अध्ययन से उतना आसानी से प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए ब्रह्म संगीतम में ब्रह्मा जी बताते हैं वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो वेद से वेद का अंदर में भगवान को ढूंढ के पाना बहुत दुर्लभ है लेकिन भक्ति का द्वारा भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भक्त्यमं अभिजानाति भक्ति से मेरे को जान पाते हैं भक्त्या हम एकया ग्राह्य भक्ति का द्वारा ही एकमात्र मेरे को प्राप्त कर पाएंगे। भक्त्या तु अनन्य शक्य हाँ तथा भक्तिर ममर्जित पूरा शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है जो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है उतना ही नहीं भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति एकमात्र उपाय होता है कर्म ज्ञान ध्यान से नहीं भक्ति एकमात्र उपाय होता है जिस उपाय के द्वारा हम लोग को ने भगवान को पहचान पाएंगे जानकारी कर पाएंगे उनको प्राप्त कर पाएंगे यह लक्ष्य है। तो इसलिए हमारा जो ट्राइबल भक्त लोग होते हैं साफा और भक्त लोग होते हैं तो भक्ति में और एक बात जरूरी है भक्ति में और एक बात जरूरी है क्या है ना भक्ति सिर्फ बहुत शास्त्र अध्ययन करने से नहीं होता है बड़ा पंडित बन से नहीं होता है। और भक्त में मंगलारती करो संध्या आरती करो गीता भागवत पाठ करो सब कुछ करो लेकिन मन सरल नहीं होता है तो भक्ति का फल को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये भक्ति योग में
एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग का मन बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन भगवत भक्ति जो करेंगे उन लोगों को बहुत सरल होना चाहिए। तो मैं जब ट्राइबल लोगों का बीच में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि ट्राइबल लोगों का बीच में उनका हृदय बहुत सरल होता है, हाँ सिंपल सरल होता है और हम्बल होता है। दो क्वालिटी चाहिए, दो क्वालिटी भगवत भक्ति के लिए दो गुण होना चाहिए, एक है सिंपल और एक हम्बल। सिंपल मतलब सरल होना चाहिए, हम्बल मतलब उनका नम्र विनय होना चाहिए। तो हमारा ट्राइबल समाज में कोई दो गुण पूर्ण मात्रा से है, क्योंकि शहर का लोग होता है, दूसरा लोग होता है, उन लोग बहुत अभिमान है, मैं धनी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं देखने के लिए सुंदर हूँ। लेकिन भगवान बोलते हैं जो लोगों का पास ये धन का, सौंदर्य का, बुद्धि का, बड़ा अभिजात्य संपन्न घर में मेरा जन्म हुआ, इसका अहंकार है, वो कभी भी मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। कुंती देवी ने ये बात को बताते हैं, भगवान कृष्ण को बताए कुंती देवी, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीजि एदमान मद पुमान नैव अहति अभिधातुं वैत्वं अकिंचन गोचर। ओ कृष्ण, जो लोगों का जन्म, मैं ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, मेरा बहुत बड़ा अरिस्टोक्रेटिक अभिजात घर में जन्म हो, बड़ा घर का लड़का हूँ, संतान हूँ, ये अभिमान जिसका अंदर में है। ऐश्वर्य, मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मेरा धन संपद है, ये अभिमान जिसका अंदर में है। श्रुत, मैं बहुत पंडित हूँ, मैं बहुत पढ़ाई किया, हाँ मेरा बहुत ज्ञान है, ये अहंकार जिसका है। अश्री, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये चार अहंकार जिसका अंदर में होता है, वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे, कभी भी भगवान का चरण कमल में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये अहंकार सब हर समय उन लोगों को भगवान से दूर रखेंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने बताए, तो जो लोग का धन संपद नहीं जितना, उतना उतना पढ़ाई किए नहीं, तो उतना सुंदर नहीं, उतना बड़ा परिवार में जन्म नहीं हुआ, वो एक तरीका भगवान का आशीर्वाद है, ये एक तरीका भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि भगवत भक्ति करने के लिए ऐसा स्थिति बहुत अच्छा होता है, इसी स्थिति में भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना बहुत आसान होता है। जिसका पास बहुत पैसा है, उसका नम्र होना बहुत मुश्किल हो जाता है, हाँ पैसा होता है, बुद्धि होता है, सौंदर्य होता है, वो नम्र होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक अच्छा फैसिलिटी भगवान ने दिया हम लोग को, विशेष करके जो लोग भक्ति करने चाहते हैं, भक्ति करने वाला। इसलिए आप लोग जो सफा और लोग होते हैं, मेरा विचार से आप लोग सब बहुत भाग्यवान भाग्यवती हो। आप लोगों ने, आप लोग गुरु बाबा को बात को श्रवण करते हुए देखो, लोगों ने मांस मछली सब खाने के लिए कितना आसक्त है, आप सब कुछ को छोड़ के जो गुरु बाबा का बात को सुनते हुए जो नीति नियम विधि विधान पालन करते हैं, मेरा विचार से ये साफा और समाज ये पूरा पृथ्वी में सबसे बेस्ट कम्युनिटी, हाँ श्रेष्ठ है। मैं तो बताऊंगा ये ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। आजकल हमारा हिंदू समाज में ब्राह्मण लोग भी इतना नीति नियम पालन करते नहीं, क्या क्या करते हैं, और आप लोग साफा और लोगों ने इतना नीति नियम पालन करते हैं। गुरु बाबा का घर पर आके हफ्ता में एक बार आप लोग बैठते हैं,
भगवान का भजन करते हैं, इससे और क्या श्रेष्ठ है। तो अभी प्रभुपाद का कृपा से आप लोग के पास चंदन प्रभु जाकर पहुंच गए, घर घर में जपमाला भगवान का नाम आपको दिला दिए। तो एक कलयुग में हरि नाम श्रेष्ठ होता है, आप लोग ये समझना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवलम। हम लोग सब कुछ अच्छा करेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ होता है। तो हम लोग देखते हैं तो ट्राइबल लोग जो होता है गांव में जंगल में ज्यादा भूत प्रेत को भी पूजा करते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म में भगवान को पूजा करना, निराकार को पूजा करना, देवताओं को पूजा करना, भूत प्रेत को पूजा करना, ये सब कुछ विधान है, ये शास्त्र में लिखा गया। लेकिन एक बात पर हमको विचार करना चाहिए, जो भिन्न भिन्न पूजा उपासना का उपाय दिया गया हमारा हिंदू धर्म में वैदिक साहित्य में टूट गया, चला गया ना, अभी है वो है चंदन है। तो इज देयर चंदन इज देयर ओके अच्छा ठीक है आगे। तो मैं जो बोलता था हाँ, हमारा भिन्न भिन्न उपाय है भगवान को आराधना करना। कोई भगवान को निराकार करके मानते हैं, उनका आराधना करते हैं। हमारा 33 कोटि देवता रहे हुए इंद्र चंद्र वरुण शिव काली दुर्गा, उनको भी पूजा करते हैं, और कोई के भूत प्रेत को भी पूजा करते हैं। ये सब हमारा शास्त्र में लिखा है। लेकिन एक बात पर हम लोग को विचार करना चाहिए, ये जो भिन्न भिन्न पूजा का उपाय क्यों दिया गया, भिन्न भिन्न पूजा करने से हमको भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। भूत प्रेत को पूजा करने से एक तरीका फल प्राप्त होता है, देवताओं को पूजा करने से दूसरा तरीका फल प्राप्त होता है। बारंबार कहते अच्छा ना उठा भगवान का पूजा करने से दूसरा फल होता है, समझते हैं। तो इसलिए हम लोग वेद शास्त्र में जो भिन्न भिन्न उपासना का बारे में बताया गया, जो लोग जैसा तांत्रिक लोग होते हैं भूत प्रेत को पूजा करते हैं, पशु बलि देते हैं, इसको हमारा शास्त्र का अनुसार तमोगुण बोलते हैं। हमारा सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, तीन गुण का लोक होते हैं। तो सत्वगुण लोक क्या कौन है ना, आप लोग जैसा सत्वगुण का है, आप लोग का खाना पीना सत्वगुण का होता है, साग सब्जी खाता है, दूध खाता है, घी खाता है, ये सत्वगुण का खाना होता है। और रजोगुण का खाना क्या होता है, बहुत तेल मसाला खाता है, मांस खाता है, मांस खाता है, ये रजोगुण का खाना होता है। तो सत्वगुण लोगों को क्या खाना अच्छा लगेगा, सत्वगुण लोग जो होते हैं साग सब्जी दूध ये सब खाना, शाकाहारी खाना देखने से सत्वगुण लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन तमोगुण लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और रजोगुण लोगों को माछ मांस मसाला ये सब बहुत अच्छा लगेगा, और तमोगुण लोगों को क्या अच्छा लगेगा, सड़ा हुआ खाना, तीन दिन चार दिन का सड़ा हुआ खाना बहुत अच्छा लगेगा। और सूखा हुआ माछ होता है ना, सूखा हुआ माछ उसको पोड़ेंगे जो गंध आएगा, आह किस सुंदर गंध है, उनका मन भर जाएगा। तमोगुण लोग है, तमोगुण लोग को वो खाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो ये गुण का अनुसार लोगों को खाना अच्छा लगता है। तो आप लोग को तो तमोगुण का खाना अच्छा नहीं लगता है, रजोगुण का खाना अच्छा नहीं लगता है, उसका मतलब आप सत्वगुण का है, आपका अंदर में सात्विक भाव है।
और भगवान को भजन करने के लिए ये सात्विक भाव बहुत गुरुत्वपूर्ण है। जो तामसिक लोग होता है, राजसिक लोग होता है, और लोगों का पूजा करने का तरीका दूसरा होता है। तो सात्विक लोग होता है और लोगों का आराधना करना, उपासना करने का तरीका दूसरा होता है। शास्त्र में, गीता में भगवान कृष्ण ने बताए तीन तरीका आराधना होता है, सत्वगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का। जो सत्वगुण लोग होते हैं वो देवताओं को पूजा करते हैं, देवताओं को पूजा करते हैं सत्वगुण लोग। रजोगुण लोग का किसको पूजा करता है? हाँ, रजोगुण लोग असुर को पूजा करता है, असुर लोगों को पूजा करता है। और तमोगुण जक्ष राक्षस को पूजा करता है, ये भूत प्रेत को तमोगुण लोग पूजा करता है। लेकिन सत्वगुण लोग, हम लोग किसको पूजा करते हैं? हम तो भगवान को पूजा करते हैं। जो भगवान को पूजा करता है वो सत्वगुण से भी श्रेष्ठ है, समझते हैं? तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है। सत्वगुण लोग देवताओं को पूजा करेंगे, और रजोगुण लोग असुरों को पूजा करेंगे, तमोगुण लोग भूत प्रेत को पूजा करेंगे। और जो त्रिगुणातीत होता है, सब गुण से ऊपरे होते हैं, परे होता है, हाँ, वो भगवान को पूजा करेंगे। भगवान को पूजा करने से सब तो सबको कौन चलाते हैं? सब कुछ भगवान ही चलाते हैं ना। हमारा 33 करोड़ देवता होता है, इंद्र, चंद्र, वरुण करके अग्नि देवता, वायु देवता, देवता होता है। ये सब देवताओं को कौन चलाते हैं? भगवान चलाते हैं। देवताओं के ऊपर भगवान होते हैं। ऐसा एक राष्ट्र में एक प्रधानमंत्री होते हैं और उनका बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो ऐसा माफिक भगवान सब कुछ का मालिक होता है। और देवता लोगों को अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र, वृष्टि का देवता लोग को दायित्व दिया गया। और हम लोग को भगवान ने बताया तुम इंद्र को पूजा करो तुमको बारिश मिलेगा, अग्नि देवता को पूजा करो, वायु देवता को पूजा करो। तो देवता के प्रति हम लोग श्रद्धा रखेंगे, सम्मान रखेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? लक्ष्य रहेगा भगवान का पहुंचना। अरे भगवान कौन है ये भी हमको जानकारी करना चाहिए। जो भगवान कौन है, देवता वर्ग के मालूम है, इंद्र, चंद्र, वरुण, शिव, काली, दुर्गा, सरस्वती, बहुत सारे देवादेवी होते हैं। ये भगवान कौन होता है? ना एते चांस कलापुन से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। और वो कृष्ण का अनंत रूप है, राम भगवान है। तो कृष्ण भगवान राम रूप में आए, नारायण रूप में आए, वामन रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, ऐसा करके भगवान का अनंत रूप होता है। तो आप लोग वैष्णव है, आप लोग नियम जो पालन करते हैं इसे वैष्णव का नियम होता है। ये चार नियम को, मांस मछली नहीं खाना और दारू नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, स्त्री पुरुष अवैध संग मिलन करना, ये वैष्णव का पद्धति होता है। तो तांत्रिक लोग होता है वो लोग का सिस्टम दूसरा होता है। वो लोग पंचम मकार व्यवहार करते हैं। पंचम मकार क्या है? उन लोग को आराधना 5 ठो म लगेगा, मालूम है 5 ठो म क्या है? मांस लगेगा, मांस लगेगा, मद्य लगेगा, मैं लड़की लगेगा, और मोड़ा डेड बॉडी ये लगेगा, तब उन लोग का साधना होता है। इसको पंचम मकार उपासना बोलते हैं। तो मेरा विचार से जो बाहर का लोग जो कर नहीं पाते हैं, आप लोग वो कर लिए। तो इसलिए चंदन प्रभु जो गाइडेंस देते हैं, आप लोग जितना साफ़ार लोग है सबका बीच में प्रचार कीजिए, सबको भगवान के चरण में ले आए। या आप कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, जगन्नाथ हो, एक भगवान है,
एक भगवान कृष्ण राम नारायण बामन नरसिंह इसी के भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुए। तो मेरा तो खूब इच्छा है साफा और आप लोग को प्रोग्राम जाने के लिए, लेकिन सब व्यवस्था किया था, ठीक जाने से दो चार दिन पहले कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस आने के कारण मैं जा नहीं पाया, तो इसलिए मेरा इच्छा है कब मैं जाऊंगा, आप लोग साथ मिलूंगा। तो आप लोग का कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, चार्ट देखो। आप किसी का कोई प्रश्न सुझाव अथवा समस्या हो तो यहाँ लिख के भेज सकते हैं। के बोल लेता है के बोले चलता और राधा कृष्ण का नया दास दंडवत प्रणाम। ठीक है, नम चंदन प्रभु बोला अभी उत्तखन आसे ना तो तुम सुन पाते तो चैट में लिख सकते हैं। हमारा ट्राइबल भक्तों का कुछ प्रश्न है तुमको चैट में अनम्यूट करो, चंदन प्रभु को अनम्यूट करो, जिसको तुम अनम्यूट करो उसका। हाँ बोलिए, सबको अनम्यूट करो, तुष्ट तुष्ट प्रभु सब सबको अनम्यूट करो तो सब बोल पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ शुद्ध सत्य के बारे में मैं जो अभी बताया ना, तो कोई तमोगुण का होता है, कोई रजोगुण का होता है, कोई सत्वगुण का होता है। ठीक है, जो शुद्ध सत्य जो होता है ये त्रिगुणातीत, ये तीन गुण का ऊर्ध्व जो होता है। तो हमारा भौतिक जगत में जो सत्वगुण होता है वो तो शुद्ध नहीं है, क्योंकि सत्वगुण में रजोगुण तमोगुण मिक्स है, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। यानी चिन्मय जगत में वो शुद्ध सत्व होता है, जो रजोगुण तमोगुण का कोई मिश्रण नहीं होता है, शुद्ध सत्व उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो साफाहोर भक्त वृंद है, तो मेरे को मालूम है वो लोग का मन में उतना प्रश्न नहीं है। हाँ, वो भले वाले होते हैं, इतना शास्त्र मालूम नहीं, तत्व मालूम नहीं, लेकिन वो जो उनको बोला जाता है तो भगवान का नाम करो बस, उसको सुन के जो नाम करता है ना, इसीलिए उनका ऊपर और बहुत अच्छा असर पड़ता है। कोई शास्त्र पढ़ते हुए, शास्त्र को मानते हुए, शास्त्र को डरते हुए भगवान का नाम करते हैं, उससे उनको जो फल प्राप्त होता है, तो उससे और अच्छा फल प्राप्त होता है। जिसको शास्त्र मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, तो वैष्णव लोग को आके मेरे को बोलते हैं हरिनाम करने के लिए, मैं हरिनाम करूंगा बस हो गया, उससे आनंद है, उससे और ज्यादा नाम का असर पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ और आप लोग के पास अनुरोध करता हूँ, जितना साफा हो ट्राइबल लोग आप होते हैं, मैं देखना चाहता हूँ घर घर में ये भगवान राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पूजा होगा, हरिनाम संकीर्तन होगा। आप लोग शाकाहारी है ठीक है, लेकिन शाकाहारी होने से भगवान प्राप्त नहीं हो सकता है। मांस मछली नहीं खाने से भगवान को मिल जाएंगे? शाकाहारी होने से भगवान प्राप्त हो सकता था तो सब बकरी जितना सब भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। तो बकरी होता है ना, बकरी तो मांस मछली खाता नहीं, सिर्फ घास खाता है, तो बकरी चले जाएंगे भगवत धाम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। शाकाहारी होना यथेष्ट नहीं होता है, हम लोग को शाकाहारी खाना को भगवान को निवेदन करने पड़ता है। भगवान को आप लोग जो कुछ खाएंगे, देखो बाहर का लोग तो शाकाहारी नहीं है,
इसीलिए सब कुछ जो खाते हैं भगवान को निवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग कर पाएंगे, आप लोग शाकाहारी है। तो इसीलिए जो कुछ खाते हैं, तो घर में आप लोग रहते हैं तो भगवान का जो फोटो है घर घर में दिया गया, वो फोटो को फोटो का पास जो खाना बनाते हैं कुछ खाना प्लेट में लेके, हाँ अब तो प्याज रसून देते नहीं, शाकाहारी है तो भगवान का सामने में रखो और तुलसी का पत्ता दो, बस। भगवान ने बताया जिसको कोई मंत्र तंत्र कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ तुलसी का पत्ता खाना का पर रखने से मैं खा लेता हूँ। देखो भगवान कितना कृपालु है। हाँ भगवान ने बताया मेरा भक्त रास्ता में पानी और तुलसी पत्ता लेके जाता है तो मेरे को भूख बढ़ जाता है। मैं बोलता हूँ हे मेरा प्रिय भक्त, मेरा मैं बहुत खिदार्थ हूँ, मेरे को कुछ खाने के लिए दो। तो इसीलिए एक आसानी उपाय होता है, आपको मैं बताता हूँ। तो आप जो कुछ खाते हो तो शाकाहारी है, मांस मछली नहीं, प्याज लहसुन नहीं, तो जो कुछ खाते हो आप लोग घर में भगवान के पास प्लेट लेके सिर्फ तुलसी का पत्ता रख दो, बस भगवान खा लेंगे। आप कुछ मंत्र बोलने चाहते हैं तो तीन बार प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र एक बार बोलो, आ कृष्ण प्रणाम मंत्र, गौरांग प्रणाम मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र एक बार बोलो, गौरांग महाप्रभु नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवतिष नमः एक बार बोलो। आर कृष्ण प्रणाम, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगज्जिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः, कृष्ण प्रणाम। और तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र, इसको बोल के प्रणाम करो, बस वो प्रसाद हो गया। वो प्रसाद को आप लोग खाइए। अब जब बाहर जाते हैं क्या करेंगे, जब ट्रेन में जाते हैं बस में जाते हैं, कुछ मूढ़ी खाते हैं, मुरमुरा खाते हैं, चिड़ा भी खाते हैं आप लोग। आप लोग तो रेस्टोरेंट में खाते नहीं, हाँ मेरे को मालूम है रेस्टोरेंट में खाते नहीं। तो आप लोग तब क्या करेंगे, तब क्या बाहर में एक फल खाते हैं, केला खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो क्या करेंगे, तो उस समय पानी पीते हैं, तो क्या करेंगे ना, भगवान को स्मरण करके ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, बस। जब ट्रैवलिंग में है घूमते फिरते हैं जंगल में जाते हैं तो ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, तो ऐसा करके आप लोग खा सकते हैं। जो खाएंगे वो प्रसाद हो जाता है। तो आज इस अधिवेशन में मैं ये आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग को खाना पीना बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन वो शुद्ध है, वो पवित्र है, खाना पीना सात्विक है, लेकिन उसका शुद्ध सात्विक करने के लिए, सात्विक से और श्रेष्ठ करने के लिए तो भगवान को निवेदन करते रहिए। जो भी घर में आप बनाते हैं खाने के लिए, हाँ थोड़ा उससे लेके प्लेट बना के भगवान का जो फोटो है सामने में रखिए, एक तुलसी पत्ता दीजिए और जो मंत्र बोला वो मंत्र पाठ कीजिए। बाहर रहते कर नहीं पाएंगे तो ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ये तीन बार बताए। हरे कृष्ण चंदन प्रभु। हमारे तो सुनते बच्चे हमारे सुनते बच्चे चंदन प्रभु जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चंदन तुम रिपीट करो आपने।
नहीं तो और आप की बोलते चाहते तुम लिखे दो का साटे गए लिखे दो तुष्ट सुनते बच्चे तुम्हें तुष्ट हाँ तुम्हें जा कहो मुझे सुनी पड़ने तो भल हे तुम्हें तो आस्ते आस्ते कह बोलिए हाँ बोलिए की जाइए जानते हाल समाचार तो मेरा हाल समाचार मैं तो इधर लॉकडाउन में बंद होकर बैठा हूँ तो मेरा इच्छा था आप लोग के पास जाऊंगा मिलूंगा अभी तो बंदी होके बैठा हूँ इधर तो अभी आप लोग को देखते हुए थोड़ा आनंद लाता है अच्छा लगता है अभी तक मेरा हाल समाचार अच्छा नहीं था अभी आप लोग को देखने से थोड़ा अच्छा होता है ठीक है जगन जगन तुरी कुछ बोलना है जगन तुरी पे मुझे आ गए इधर जगन तुरी अभी लाइन में आ गए जंगल भूते रहता है जगन तुरी का माइक नहीं हाँ उनका कैसे माइक नहीं अच्छा क्लास देव क्लास देव जा क्लास देव तो हाँ बंगाली क्लास ठीक है शाम को फिर मिलेंगे हमारा जो प्रचारक लोग होते हैं शाम को चर्चा करेंगे हमारा जो इधर ट्राइबल ब्रह्मचारी लोग हैं अभी ट्राइबल ब्रह्मचारी लोगों में क्लास होगा और आप लोग मिलके सबको बहुत हमारा का आनंद आया हरी बोल आनंद आया खत्म हो गया डिस्कनेक्टेड क्या प्रश्न है फेसबुक में फेसबुक के प्रश्न से महाराज कैन वी गो बैक टू गॉडहेड बाय फॉलोइंग वैदिक भक्ति विदाउट कमिंग इन द स्टेज ऑफ रागानुगा भक्ति और वी हैव टू कम इन रागानुगा स्टेज देन वी कैन गो बैक टू गॉडहेड प्लीज इनलाइटन अस सचिनंदन गौरचंद दास फ्रॉम नेपाल वैदिक भक्ति आल्सो वन कैन गो बट व्हाट आई हैव हर्ड By Vaidhi Bhakti, one will go to Vaikuntha. By Raganuga Bhakti, one will go to Golok Vrindavan. So, unless we come to the platform of Raganuga, what is Raganuga Bhakti? Raganuga Bhakti is following the footstep of Brajavasis. The Bhakti, devotion Brajavasis they have towards Krishna, that is known as Ragatmika Bhakti. Ragatmika. In that bhakti, one does not understand Krishna as God. They think Krishna is mine, my son, my friend, my lover. If they understand Krishna is God, they cannot do like. So that is Brajavasi bhakti called Ragatmika. So following their footsteps, when somebody can be elevated to that position, then he, by following Raganuga Bhakti, then he will go to Golok Vrindavan. In Vaidhi Bhakti, we understand opulence of God. Raganuga Bhakti, one thing, Krishna is mine. Brajavasi is thinking Krishna is mine. But Vaikuntha, Narayan is not mine. I am belongs to Narayan.
not Narayana belongs to me. But Braja Bhakti, that I want to give you something by my mercy. No? When I develop a merciful mood, I become merciful. बाहर का व्यवहार देख के हम लोग समझ नहीं पाएंगे. भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये शास्त्र में लिखा है. भक्त का गुण के 26 गुण है. हाँ, 26 गुण है. तो भक्त का अंदर में देख ऐसा गुण होना चाहिए. लेकिन किसी के पास ये 26 गुण है वो कृपालु होंगे. हाँ, और क्या क्या सुख होंगे. हाँ, सरल होंगे, कृपालु होंगे, ऐसा रहेंगे. लेकिन 25 गुण है, कृष्ण भक्त नहीं है तो गुण का कोई लाभ नहीं है. कोई कृष्ण भक्त नहीं है तब भी उनके पास बहुत अच्छा अच्छा गुण होता है, ये भी हो सकता है. लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है तो वो गुण का कोई मूल्य नहीं है. और कोई कृष्ण भक्त है, कट्टर कृष्ण भक्त है, उसमें ये हो सकता है कि 25 गुण से कोई गुण नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, माधुर्य कादम्बिन में विश्वनाथ चक्रवर्ती बताता है कोई बहुत बड़ा भक्त हो सकता है लेकिन बहुत क्रोधी भी हो सकता है, गुस्सा कर सकता है. कोई गुस्सा करने से हम लोग ए तुम कैसा भक्त हो, तुम गुस्सा करते हो, भक्त तो गुस्सा करना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं. अब भक्त लोभी भी हो सकता है. ये लोभ क्रोध देखते हुए शुद्ध भक्त हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे. इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती तो बताता है शुद्ध भक्त को पहचानना बहुत मुश्किल है. एक्सटर्नल बिहेवियर से हम लोग समझ नहीं पाएंगे. वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान आ जाना है. पंडित लोग भी समझ नहीं पाते हैं वैष्णव का आचरण देखते हुए. वैष्णव चिन्हित नारे देवेर सकती. देवता लोगों भी गुम हो जाते हैं, दिमाग गुम हो जाता है वैष्णव पहचानना. लेकिन ये लिखा गया जो शुद्ध सत्योस्तर जो जितना उन्नत भक्त होता है कैसे मालूम होगा ना, जिनका श्रवण कीर्तन में बहुत मन लगता है, भगवान में इतना मन लीन है, तो उनको कोई सप्तगुण रजगुण तमगुण का प्रभाव नहीं आता है. लेकिन कभी कभी सप्तगुण रजगुण तमगुण का लक्षण ही प्रकाश हो सकता है उनका अंदर में. लेकिन उनका अंदर प्रभावित नहीं होता है. जैसे शुद्ध सत्व भक्त देखना मिलना बहुत इतना नहीं धरती पर, बहुत दुष्कर है. महात्मा शुद्ध सत्व भक्त देखना बहुत मुश्किल है. तो तीन श्रेणी का भक्त होता है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त. तो उत्तम भक्त होता है शुद्ध सत्व स्तर हो सकता है. उत्तम भक्त होता है. लेकिन कभी कभी उत्तम भक्त लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे. जो शुद्ध सत्व का हो जाता है ना प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि प्रचार करने के लिए तुमको ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है. तब तो प्रचार ये अच्छा है ये बुरा है, ये चीज अच्छा है ये चीज बुरा है, ऐसा ज्ञान होगा तो लोग को प्रचार करेगा ना ये बुरा चीजें मत करो. जो शुद्ध सत्व है वो सबके उनके लिए सब कुछ अच्छा है. वो हर जगह पर भगवान को देखते हैं तो लोग प्रचार करेंगे कैसा, वो लोग प्रचार कर नहीं पाएंगे. इसीलिए कभी कभी शुद्ध सत्व का भक्त लोग जो होता है वो फिर मध्यम श्रेणी भक्त स्तर में आते हैं, क्योंकि न प्रचार करने के लिए. तो इस माफिक शुद्ध सत्व भक्त का लक्षण समझना मुश्किल है. लेकिन शुद्ध सत्व का एक लक्षण है, शुद्ध सत्व का मतलब वसुदेव सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम भागवत में वर्णन किया गया. शुद्ध सत्व स्तर में को उत्तीर्ण होता है तो भगवान उनका हृदय में विराजमान करते हैं. सिर्फ भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं, उतना ही नहीं वो हर जगह पर भगवान को देखते हैं. जो कुछ देखते हैं भगवत स्मृति आता है. ये भगवत स्मृति भिन्न भिन्न तरीका होता है.
गीता में वर्णना किया गया। तो पहाड़ देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, भगवान बताए ना ये नदी होता है मेरा शरीर का सिरा पसीरा होता है, सिरा पसीरा पहाड़ मेरा क्या सार होता है, वृक्ष मेरा लोम होता है। तो जो लोग साधारण लोग होता है भगवान को स्मृति करने के लिए ऐसा बताए, कब ये भी बताया गया कोई उसे शुद्ध भक्त हो जाता है तो गाय देखते हैं तो भगवत स्मृति होता है, मोर का पंख देखते तो भगवान का स्मृति होता है, आकाश में मेघ देखते भगवान का स्मृति होता है, एक तरह का भगवान का स्मरण होता है। और उससे जो श्रेष्ठ शुद्ध भक्त होता है वो हृदय में भगवान का स्फूर्ति होता है, वो शुद्ध सत्व स्तर का हो जाता है, भगवान स्फूर्ति होता है। और उससे और अच्छा होने से वो भगवान को हर जगह पर देख पाता है, स्थावर और जंगम में देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति, हर जगह पर भगवान को दर्शन कर पाता है। लेकिन वो बहुत दुर्लभ होता है, ऐसा भक्त धरती पर बहुत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण। हो गया एक प्रश्न। हाँ क्या बोलते कि हरे कृष्ण महाराज मायापुर आके राधा माधव का दर्शन कैसे मिलेगा? मायापुर आके राधा माधव दर्शन मिलेगा जब हम लोग करुणा का प्रभाव से मुक्त होंगे। ये ऐसा सुंदर नाम लेकर आए, सबको करुणा चाहिए लेकिन कोई करुणा चाहता नहीं अभी। करुणा से सब भागते हैं सारा जगत। कहा जब करुणा से मुक्त होंगे फिर करुणा मिलेगा, हम लोग भगवान को मायापुर में दर्शन कर पाएंगे। तो अभी तो मायापुर खुला है, अभी थोड़ा भक्त शिला भक्त समाधि के लिए दो चार दिन बंद रहेगा, तो उसके बाद मायापुर आके आप लोग दर्शन कर पाएंगे। लेकिन गेस्ट हाउस बंद है, गेस्ट हाउस अभी खुला नहीं, इस्कन का गेस्ट हाउस खुलते नहीं, तो आप लोग मायापुर आ सकते हैं, राधा माधव को दर्शन कर पाएंगे। तो टाइमिंग फिक्स किया गया मालूम है कितना समय? अब से 9 बजे से 1 बजे तक, फिर 4 बजे से 6 बजे तक शाम को आके दर्शन करो, इधर आके दर्शन करो, नहीं तो घर में बैठ के मायापुर टीवी में दर्शन करो, बस वही दर्शन हो जाएगा। हरे कृष्ण। हो गया। हरे कृष्ण।